गाइज आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ, वो है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि अगर आपके पेशाब में या फिर पेशाब नली में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए उसे हम कहते हैं UTI। आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और बहुत सारे पेशेंट इलाज कराने आते हैं मेरे पास और बहुत सारे कंप्लेन लेकर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर मेरे को हर 10-15 मिनट में यूरिन आ रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, और जब भी मैं यूरिन करने जाऊँ तो 2-3 ड्रॉप ही आते हैं। डॉक्टर मेरे को यूरिन करते वक्त बहुत ही जलन हो रहा है या फिर मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यूरिन करते वक्त। डॉक्टर मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है, मुझे तो बुखार है, मुझे उठा ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है। डॉक्टर मेरा यूरिन तो लीक ही हो गया, मेरा यूरिन तो बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है और मेरा यूरिन का कलर चेंज हो गया है, डार्किश हो गया है या फिर क्लाउडी हो गया है या फिर टॉर्बिड हो गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको भी UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के संकेत हो सकते हैं। मोर देन 50% लेडीज में लाइफ में कम से कम एक बार ये UTI वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं, और 5% तो ऐसे लेडीज है जिसे ये इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं, जिसे हम रिकरेंट UTI कहते हैं। लेडीज में 20 गुना ज़्यादा चांस रहता है यूरिन इन्फेक्शन होने का जेंट्स के कंपेरिजन में, और ये होता है लेडीज के अंदरूनी बनावट के कारण। अगर आप अपने UTI को सही टाइम पे ठीक नहीं किए हैं तो आपका इन्फेक्शन यूरेथ्रा, ब्लाडर, यूरेटर, यहाँ तक किडनी तक जा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका किडनी फेलियर होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो अगर आप ये UTI वाली प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने UTI को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि UTI होने का कारण क्या क्या है, तभी तो आप उस कारण को रिप्लेस कर पाएंगे, बदल पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। देखिए UTI होने का सबसे पहला कारण है लैक ऑफ हाइजीन, यानी कि आपके निचले एरिया में, प्राइवेट एरिया में सफाई की कमी हो जाना। इसी तरह अगला जो कारण है वो है सेक्स। कुछ लोगों को सेक्स करने के बाद पेशाब में जलन होने लगता है या फिर UTI वाली प्रॉब्लम आने लगती है। इसी तरह अगला जो कारण है वो है मेनोपॉज। मान लीजिए आपका एज 45-50 से ज़्यादा हो गया है और आपका मेंस्ट्रुएशन रुक गया है, तो क्या होगा, आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसी तरह अगला जो कारण है वो है हाई ब्लड शुगर, यानी कि आपको अगर शुगर की बीमारी है तो आपके पेशाब में क्या होगा, ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस यानी कि खतरा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको UTI वाली प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगला जो कारण है वह है कैथेटराइजेशन या फिर सर्जरी इन यूरोजेनिटल एरिया, यूटेराइन प्रोलैप्स, स्टोन, इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए अगर आपके पेशाब नली में कोई पाइप जोड़ा गया है या फिर आपके पेशाब नली में पत्थरी है, तो इसके कारण से भी क्या होता है, आपको UTI होने के संभावना बढ़ जाते हैं। अगली जो कारण है वह है बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स, यानी कि अगर आप स्पर्मिसाइड पिल्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये UTI वाला प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर आप ये यूरिन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको इन्हीं कारण के ऊपर ध्यान रखना है या फिर इन्हीं कारण के ऊपर काम करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि UTI होने का सबसे पहला कारण है लैक ऑफ हाइजीन, यानी कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को सफा नहीं रखते, सूखा नहीं रखते, तो उससे क्या होता है, आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से निजात पाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर मान लीजिए किसी बच्ची को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि उसे अपनी प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ रखना है, कैसे ड्राई रखना है, कि गर्ल्स को अपने निचले हिस्से को या फिर प्राइवेट पार्ट को फ्रंट टू बैक साफ करना है, ना कि बैक टू फ्रंट, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके एनस एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर आपके वेजाइना एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने लगते हैं या फिर जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको ये इन्फेक्शन होने के खतरा और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग अगर बहुत ही टाइट अंडरगारमेंट लगा लेते हैं तो हम लोगों को जब स्वेट निकलता है यानी कि पसीना निकलता है, उस पसीना से क्या होगा, हम लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, लूज अंडरगारमेंट लगाना है। इसी तरह से हम लोगों को अगला जो काम करना है वो है प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आपको पानी का सेवन बहुत ही ज़्यादा करना है। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को बार बार पेशाब लगेगा, तो इससे फायदा क्या होगा, आपका जो ये ब्लाडर में बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो पेशाब के जरिए फ्लश आउट होता रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो इन्फेक्शन हुई है उसे ट्रीट करने में हम लोगों को बहुत ही आसान हो जाता है।
और जब आप यूरिन करें तो रिलैक्स होकर करें, क्योंकि यूरिन को होल्ड करना बहुत ही बुरी आदत है। इससे क्या होगा, आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगला जो काम करना है हम लोगों को वो है अवॉइड स्पर्मिसाइड पिल्स, यानी कि कुछ व्यक्ति को स्पर्मिसाइड पिल्स की वजह से यूटीआई हो रहा है तो उस व्यक्ति को ये स्पर्मिसाइड पिल्स लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके वजाइना के हेल्दी बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम लोगों को ये यूटीआई वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी तरह कुछ व्यक्ति को सेक्स करने के बाद पेशाब में जलन आने लगता है या फिर यूटीआई वाली प्रॉब्लम आने लगता है, तो उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट स्पर्मिसाइड वाला, और उस लेडीज को बिफोर सेक्स एंड आफ्टर सेक्स वो अपने यूरिन को पास कर लेना चाहिए, यानी कि सेक्स करने के पहले भी और सेक्स करने के बाद भी आपको यूरिन पास करना है। अगर ये सब करने के बाद भी उस लेडीज को बार बार यूटीआई हो रही है तो उसके पार्टनर को भी सीमेन और यूरिन को टेस्ट फॉर इन्फेक्शन करनी पड़ती है। अगर किसी लेडीज को मेनोपॉज के कारण यूटीआई हो रहा है तो उस लेडीज को वेजाइनल ओस्ट्रोजन थेरेपी करवानी पड़ती है। इसी तरह अगली जो कारण है वो है एंटीबायोटिक का यूज करना। जी हाँ गाइस, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने से ही सेल्फ मेडिकेट ना करें, यानी कि आप अपने खुद से ही एंटीबायोटिक ना ले, बिना डॉक्टर का चेक किए, बिना डॉक्टर का सलाह से आप एंटीबायोटिक ना ले, क्योंकि इससे क्या होता है आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होने लगता है और आपके ऊपर ये एंटीबायोटिक अच्छी तरह से काम नहीं करता। गाइज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यूटीआई से रिलेटेड दे चुका हूँ, लेकिन अगर गाइज कोई पेशेंट आकर मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब क्या मैं ये प्रिवेंशन वाली उपाय अपना कर अपनी यूटीआई वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि ये प्रिवेंशन वाली उपाय अपना कर आप सिर्फ अपने सिम्टम को रिलीफ कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपके बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है तो उस जलन में कमी आ जाएगी, या फिर पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस प्रॉब्लम में कमी आ जाएगी, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसे कोई भी प्रिवेंशन वाली उपाय अपनाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ आप अपने सिम्टम को ही रिलीफ कर पाएंगे, पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बैक्टीरिया का सेल भी अगर आपके ब्लडर में रह गया तो वो फिर से पनप सकते हैं, फिर से आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसीलिए गाइज, अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है या फिर यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम है तो आपको क्या करना है, अपना यूरिन यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए देना है और आप अपने से डॉक्टर से ही मिलना है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये होम रेमेडी से नहीं जाएगा, ये होम रेमेडीज इसमें काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर के सलाह मानना है, अपने डॉक्टर के एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा करना है, और अगर आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं तो आप उसे पूरा खाइए, कंप्लीट डोज खाइए, इनकम्प्लीट ना करें, बीच में ही खाना ना छोड़े, क्योंकि इससे क्या होगा आपका एंटीबायोटिक डोज काम नहीं करेगा, रेसिस्टेंट होने लगेगा वो एंटीबायोटिक, और आपको क्या होगा ये क्रोनिक इन्फेक्शन बन जाएगा, या फिर इन्फेक्शन बार बार आने लगेगा, रिकरेंट यूटीआई का प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो इसीलिए गाइज एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि ये यूटीआई वाली प्रॉब्लम होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा, आपको डॉक्टर का ही सलाह मानना पड़ेगा, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइज घर में ना रहे, होम रेमेडीज को ट्राई ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा उन लोगों के साथ जो लोग यूटीआई वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।